अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। क्लास का आगाज़ बेटे हम दुरूद पाक से करेंगे। अच्छा बेटे, आज चैप्टर नंबर 11 जो है ना, इसका लास्ट टॉपिक जो है वो आप लोग पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? यानी कि कल आप लोगों ने जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था वो क्या था कि लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही है। उसमें आप लोगों ने जो लॉ पहले पढ़ा था वो एडिशन का लॉ पढ़ा था, ऐसे ही है। उसमें आपने सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा था कि भाई एक वक्त में, यानी कि वो कहता था ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और एस, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या था कि भाई इस प्रोबेबिलिटी का ताल्लुक इसके साथ नहीं था, ऐसे ही है। एक वक्त में एक ही काम कर रहे होते थे, ये काम किया कल आप लोगों ने। उसके बाद आपने एडिशन लॉ की आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ी कि भाई अगर और आ जाए ना, अगर एटलीस्ट आ जाए, नॉर आ जाए, एटमोस्ट आ जाए, समझ आ रही बात की? वो किस में चला जाता है? एडिशन लॉ में चला जाता है। फिर आप जब आगे गए तो आपने उसकी दो सब टाइप्स भी पढ़ी। आपने ये पढ़ी कि भाई एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ये एक वक्त में दोनों इकट्ठे हैपन नहीं हो सकते, एक वक्त में एक ही होगा। दूसरी बात क्या हुई कि देयर इज नथिंग कॉमन। फिर आप नॉट म्यूचुअली की तरफ गए तो उसमें आप लोगों ने क्या किया, आपने पढ़ा भाई इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। याद है कि जब आप फॉर्मूला पढ़ते थे तो पहले वाले में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पढ़ते थे ना आप, दूसरे में आपने एंड पे जाके यही फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है तो उसको आप क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन बखूबी कल किए, ऐसी है जी। और आज बेटे हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का दूसरा लॉ जिसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ, ठीक है? अब इसके लिए बेटे आपने जो वर्ड याद रखने हैं वो दो वर्ड हैं जो आपको बताएंगे कि भाई आपने प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ लगाना है या मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाना है, ठीक है ना? तो बेटे अगर क्वेश्चन के दरमियान में एंड का वर्ड आ जाए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड एस, अब ये बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, समझ आ रही बात की? कितने कार्ड यूज होंगे इसमें, डबल हो गए ना बात, ठीक है? तो याद रखिएगा एडिशन लॉ जो होता है ना, एडिशन लॉ जो होता है बेटे, ये वो सिंगल की बात करता था ना, ये दो की बताता है हमें। मल्टीप्लीकेशन लॉ जो है वो कितने की प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है। तो एडिशन लॉ कब लगाना है, जब बेटे क्वेश्चन में और आ जाए, ऐसे ही है। और मल्टीप्लीकेशन लॉ कब लगाना है, जब एंड आ जाए या बोथ आ जाए, एंड आ जाए या बोथ आ जाए। आइए जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये बात बेटे आपको याद रहेगी कि आपने जो मल्टीप्लीकेशन लॉ है वो कब लगाना है, बोलें शाबाश, जब एंड आ जाए। तो मल्टीप्लीकेशन लॉ के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, कब लगाते हैं या हमें ये क्या बताता है, ये उस वक्त आप यूज़ करते हो जब दो इवेंट जो हैं वो अकर हो रहे हों टुगेदर, मतलब दोनों अकर हो रहे हों, ठीक है? अब इसमें भी आगे दो टाइप्स हैं, इंशाल्लाह जैसे आगे आती फिर मैं उस पर बात करता हूँ। तो पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट आएगी, ये बात हो चुकी, यानी कि ये कितने की प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है, दो इवेंट की। अगर दो इवेंट टक्कर हो रहे हैं, दो इवेंट टक्कर हो रहे हैं तो कौन सा लॉ लगाओगे आप लोग? उसके बाद कह रहा है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, एंड आ जाए या बोथ आ जाए। ये बेटे बात क्लियर हो गई, कब आपने मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाना है, जरा मेरे साथ बोलेंगे। उसके बाद बेटे उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट एक्सक्लूसिव होता था, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है? तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट है उसका जो फॉर्मूला है, ये भी क्वेश्चन में जब आता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको डिफाइन एक्चुअली कैसे करना है, ठीक है? इसका फार्मूला होता है कि दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के आपने क्या कर देना है, वहाँ पे क्या करते थे ना। अब आप ये देखें, उसके बाद डिपेंडेंट इवेंट जो है ये फार्मूले की हद तक हमने लिखा हुआ, ये फार्मूलाज आपने देख लेने करना हमने मल्टीप्लीकेशन वाले तरीके से। ये मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ जब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है? तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं जी। क्वेश्चन की तरफ आइए, शाबाश।
अब क्वेश्चन देखिएगा सेम वही है, क्या कहा आपने, ये नहीं किया फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वही चीज है, लेकिन क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी बदलेगा। अब आप अच्छा क्वेश्चन में नहीं बताएगा आपको बेटे के ये एडिशन लॉ है, मल्टीप्लीकेशन लॉ है, ये आपने जज करना है। वो जो आपको छोटे छोटे अल्फाज हम बता रहे हैं कि भाई इन्हीं से आपने जज करके आगे चलना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने उन अल्फाज के, उन वर्ड्स के जरिए आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि भाई लॉ कौन सा लगेगा, एडिशन लगेगा, मल्टीप्लीकेशन लगेगा, या आया कोई भी नहीं लगेगा। समझ आ रही बात की? तो मल्टीप्लीकेशन लॉ जो है ये आपको दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताता है, कितने इवेंट की, दो, ठीक है ना। आगे चलें बेटे। अच्छा अब आ जाएं, वो कह रहे हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर एन अदर, दो कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं वन आफ्टर एन अदर। अब आगे सुनेंगे, वो कह रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। पहले तो आप इस बात को समझें, जब बेटे विद रिप्लेसमेंट आ जाए ना, क्या आ जाए, विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है। विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपके पास एक कार्ड्स का पैक है, आपने क्या इधर देखिए जरा शाबाश, एक एक आपने कार्ड्स निकाला, फॉर एग्जाम्पल वो किंग का था, आपने देखा दोबारा उसको रख दिया, ठीक है। विद रिप्लेस का रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो कार्ड एक दफ़ा यूज हो गया है वो दोबारा वापस रखेंगे, वो दोबारा यूज हो सकता है, ठीक है। आपके कार्ड्स कोई काम तो नहीं हुए, उतने के उतने ही है। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक कार्ड निकाला, जो आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड था, आपने देखा उसको दोबारा उधर ही रख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके अगेंस्ट इवेंट आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, कौन सा, उसमें क्या हुआ, आपने किंग निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको साइड पे रख दिया। अब आपके दो काम हो गए पत्ते, सब बात पूरी सुन लो ना, दो तरह से काम हो गए। वो कैसे, आपके पास एक किंग भी काम हो गया और आपके पास एक टोटल भी काम हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट में जब जाओगे, ठीक है, तो उसमें दो बातें ज़हन में रखिए, जब आएगा मजीद आपको बातें इंशाल्लाह क्लियर हो। आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम भी काम होगी, एक किंग तो काम हो गई, एग्जैक्टली फेस भी काम हो। समझ आ रही बात की? तो इंशाल्लाह जैसे ये बातें आती हैं फिर इन पे बात करते हैं मजीद। अभी हम लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट के कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं और फिर इंशाल्लाह डिपेंडेंट इवेंट पे भी चलेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर एन अदर, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, पता चल गया इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। आइए जरा दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो कह रहा है बोथ आर किंग, जरा गौर कीजिएगा बेटा, बोथ बोथ आर किंग। अब आपको इस चीज ने बता दिया ना कौन सा लॉ है, ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो पहला किंग मेरे पास, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि पहला किंग और दूसरे किंग, बोथ किंग, इनकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है जिसमें क्या है, बोथ किंग। तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/52, मल्टीप्लाई करूंगा ना, बोथ का वर्ड आ गया। अब दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/52, मेरा पुत्र जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, 16/, बल्कि इसको डायरेक्ट करो ना, 1/69 आ जाएगा, 1/169। ये बात बेटे क्लियर हो गई? अब आगे आइए, शाबाश। अब ये पॉइंट भी बड़ा ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि ये भी आपके अगले क्वेश्चन में भी यूज होना है। क्या लिखा हुआ है, वन इज एस, अदर इज क्वीन, एक जो है वो एस है और दूसरा जो है, अच्छा एक छोट है, ये तो वो एडिशन हो रहा है, भी सब्र करो। वो कह रहा है कि आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसमें से एक जो है वो क्या है, एस है, और दूसरा क्या है, या का वर्ड तो नहीं आया, अगर और आता तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। उसने क्या कहा है कि वन इज एस और दूसरा क्या होगा आपके पास। अब यहां पे उसने आपको कोई थोड़ी सी तरतीब बताई है कि भाई पहले एस रखो, नंबर टू पे क्वीन रखो, नहीं ना बताई उसने, कहा जी दो आ गए, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि भाई पहला एस आए दूसरा क्वीन आ जाए, तो अब यह भी तो पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब और आया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी,
मेरी बात को फॉलो किया बेटे? तो जब वो तरतीब या ऑर्डर फिक्स ना करे तो फिर उसकी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी करेंगे आप, हैं? पॉसिबिलिटीज ऐड होंगी, क्योंकि उसमें आपने कह दिया भाई इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है, अब और आ गया, समझ आ रही बात की? तो जो पॉसिबिलिटीज बनेगी उन सारों को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, ठीक है? अब ये देखो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4 होते हैं ना ओवर 52, क्वीन कितनी होती है 4/52, ये आपके पास एक बन गया, उसके बाद प्लस आ जाओ क्वीन की कितनी होगी 4/52 इनटू, जल्दी से बेटे इसका आंसर बताओ, शाबाश जी, क्या आ रहा है 2/169। बेटे ये बात क्लियर हो गई, इसमें एंड होता तो फिर इसका मतलब क्या होना था आपको, वो कह देता इधर एस, सुन ले एस एंड क्वीन, पहले उसने क्या फिक्स कर दिया एस, नंबर टू पे क्या कर दिया क्वीन, ठीक है? अब उसने पहली पोजीशन रख दीजिए, देखो जैसे अगले भी आएगा ना, फर्स्ट इज एस सेकंड इज, अब आप दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते, उसने खुद ही कह दिया, इसमें उसने कोई तरतीब या कोई ऑर्डर आपको बताया कि किसको पहले रखना है किसको बाद में, तो फिर बेटे उसकी जो पॉसिबिलिटी बन सकती होंगी वो सारी आपने डिस्कस करनी है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखो, सारा यही है लेकिन उसमें आप दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बेटे उसने फिक्स कर दिया भाई पहले नंबर पे एस आएगा, नंबर टू पे क्या आएगा क्वीन, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है? तो क्या करेंगे बेटे, इधर जल्दी आप लोग ही बताओगे, आप क्या लिखा हुआ जरा पहले लिख लें, फर्स्ट इज एस एंड सेकंड इज क्वीन, जरा गौर कीजिए बेटे, आप उस प्रॉपर ऑर्डर की फॉर्म में आपको दे गया, तो पॉसिबिलिटी आपने कब यूज करना है, काम पॉसिबिलिटीज को ऐड कब करना है, जब आपको वो ऑर्डर ना बताए, फिर आप उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को यूज कर लोगे, ठीक है? तो बेटे इधर आपके पास आ गया एस जो है, मतलब अब ये चीज सिर्फ बनेगी, इसके अलावा तो नहीं बेटे बनेगी। अब आइए जरा इस पे बात करते हैं, तो एस की प्रोबेबिलिटी बेटे आप जानते हो 4/52, और क्वीन की भी आप जानते हो 4/52, तो मेरा पुत्र आप जानते हो ये सॉल्व करने के बाद 169 आ जाएगी। यहां तक बेटे बात क्लियर होगी, किस में? हाँ उसमें दोनों सेम ही है ना, तो किंग है ना बोथ, हाँ तो कर लो उसमें, किस में? बोथ आर किंग, तो वो किंग ही रहेंगे, उसमें किंग वन किंग टू नहीं करोगे आप लोग, वो रहेंगे किंग, सेम है, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा आपको। वो परमोटेशन थी बेटे, ये प्रोबेबिलिटी है, परमोटेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। परमोटेशन में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो परमोटेशन के लिए ना आप सारे जो टॉपिक्स हैं उनके लिए सेम थोड़ी होगा, ठीक है? इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट आइए, अब इस क्वेश्चन में मजीद वही चीजें दोबारा आएंगी, लेकिन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। देखें जी भाई, ये मैं रेज करने लगा, अगर आपने देखना तो चलें भाई इधर देखें, शाबाश। क्वेश्चन जरा पहले पढ़ते हैं फिर इस पे बात करते हैं। अ बैग कंटेन 5 red and 3 green balls, 5 red हैं और 3 क्या हैं? 2 balls are selected one after another, 2 balls सेलेक्ट की, पहले एक बॉल देखी, निकाली, देखी, बीच में रख दी, फिर दूसरी सेलेक्ट की, देखी, बीच में रख दिया, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, विद रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, यानी कि एक बॉल आपने देखी, यूज की, दोबारा उसी बैग में वापस रख दी, ठीक है? उसके बाद देखें फाइंड प्रोबेबिलिटी, सारे पार्ट्स हम बाद में करते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है आपकी, पॉसिबल आउटकम कितनी है, यानी कि मैं इधर लिख सकता हूं पॉसिबल आउटकम जो है मेरे पास वो 8 है। बेटे रेड बॉल कितनी है,
रेड बॉल्स हमारे पास 5 हैं और ग्रीन कितनी है जी? 3। अब इधर आ जाए, शाबाश। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ आर ग्रीन, बोथ आर, बोथ आर ग्रीन। अब दोनों ग्रीन आ गई बेटे, दोनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जैसे दो बोथ आपने निकाली किंग्स की, सेम उसी तरह क्या निकलेगी? कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई इसकी? 3/8। ये हमारे पास दोनों ग्रीन थे तो पहले ग्रीन की आपके पास आ गई 3/8 और मल्टीप्लाई बाय 3/8 तो कितनी आ गई बेटे आपके पास? 9/64। अब एक और बात भी, जब बोथ का वर्ड आ गया इसका मतलब क्या हुआ बेटे? आपने कौन सा लॉ लगाना है? मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाना है, ठीक है। अब अगला जो है वो आप फिर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? वन इज रेड, वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। अब आप ये देखें, जब अदर आ गया इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने इसकी बाकी पॉसिबिलिटीज जो है उनको भी लाजमी डिस्कस करना है, ठीक है। और आप ये देखें कि जब आपके पास एक रेड है और दूसरी क्या है, तो बेटे इसकी क्या दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये समझ आ रही बात की? तो अब आप लोग ये देखें क्या आएगा इधर हमारे पास, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8। ग्रीन की क्या है? 3/8 प्लस इसकी क्या आएगी? 3/8 और रेड की क्या आएगी? 5/8। ये बात बेटे समझ में आ रही है? अब इसको जरा सॉल्व करें, देखें क्या आ रहा है। 15/32। हाँ जी बेटे, यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब लास्ट पार्ट इसका जो है, सेकंड लास्ट पार्ट जो है, आइए ज़रा वो आप लोग बताएंगे। बोथ आर रेड, बोथ आर हाँ जी बोथ आर रेड। आपको पता है कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 5/8, 5/8। बताइए शाबाश क्या आ गया जी बेटे? ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद आ जाइए एट लीस्ट वाला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या आ गया? एट लीस्ट वन इज रेड, एट लीस्ट वन इज रेड। हाँ जी, एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ? कि एक एक रेड होना चाहिए। अब आप ये देखो, आप रेड कितने लेके जा सकते हो? क्यों? हमारे पास रेड तो 5 है। सिलेक्शन कितनी कर रहे हो तुम लोग? 2 बॉल्स की कर रहे हो ना। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि हम कम से कम, यानी कि हमारे पास एक रेड हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। अब वन रेड का मतलब है कि एक हमारे पास जो है वो साथ क्या होगा? ग्रीन होगा, तो दूसरी भी तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। रेड भी हो सकता है पहले, ग्रीन रेड भी हो सकता है, और ठीक है, इसका ऑर्डर तो नहीं डिफाइन ना बेटे। उसके बाद आगे आ जाए, 2 रेड का मतलब है दोनों। ये समझ आ रही बात की बेटे? अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखो, ग्रीन की क्या आएगी? 5/8 और रेड की क्या आएगी? उल्टा नहीं हो गया? ग्रीन कितनी है आपके पास? 3 है और ये कितनी आएगी? 5 आएगी। उसके बाद इधर आ जाइए, रेड की क्या आएगी? 5/8। इसकी क्या आएगी? 3/8 ऐसी है। उसके बाद रेड की बेटे क्या आएगी? 5/8। यहां तक बेटे बात क्लियर होगी? अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें शाबाश। 55/ भाई एट मोस्ट वाला कौन सा बचा करवा रहा है मुझे? तो एटलीस्ट उसने क्वेश्चन पे लगाया है, दो प्रोबेबिलिटी के दरमियान में नहीं आया कि ये एटलीस्ट ये, फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक। ठीक है भाई, क्या हो गया? पास मिनट भाई, अगर तो बेटे वो दरमियान में देना, जहां पे और देर होता है वहां पे ये बात करता, फिर आपकी बात बिल्कुल वैलिड थी। हाँ जी, एटमोस्ट वाला कौन करवा रहा है?
आप करवा चुप करो यार आप एट मोस्ट वाली कंडीशन पे आ जाओ। क्या लिखा पहले सवाल बोल शाबाश बेटे। नो वन इज रेड, कोई रेड नहीं तो दोनों क्या हो गई ग्रीन, तो ये आप खुद कर लीजिएगा जी। उसके बाद आ जाइए एट मोस्ट बोथ आर रेड, एट मोस्ट बोथ आर रेड। अच्छा बेटे ये जरा बात ध्यान में रखें, आप लोग अभी ये जमशेद मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर एटलीस्ट और एटमोस्ट का वर्ड तो एडिशन में आपने बताया ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे आ रहा है? कोई बच्चा इसका आंसर करना चाहे। प्लस तो हो रहा है, हम मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं। आप देखें एक तो आप इस बात पे आ जाइए, शहर यार ने बड़ी अच्छी बात की है कि वहां पे हम रैंडमली एक सिलेक्ट करते थे, आप जितने मर्जी क्वेश्चन देख लो ठीक है, इसमें आप टू सिलेक्ट कर रहे हो वन आफ्टर एनदर, याद है कार्ड वाले किए हैं। तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ाया है मैंने तो क्या बात की है कि ये दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताएगा और आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगी यार ये तो डबल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी चीजें भी तो आप बाद में करोगे, पहले तो आपको इधर ही पता चल गया यार ये कौन सा लॉ लगेगा मल्टीप्लीकेशन। अब क्वेश्चन ये था कि भाई एट लीस्ट और एट मोस्ट आ गया, एडिशन लॉ क्यों नहीं लगाया? एग्जैक्टली और कहां पे आता था तब भी आप लोगों को पता चलता था ना, तो यहां पे तो बेटे वो आपको ये एट लीस्ट और एट मोस्ट को आप ये बात ज़हन में रखिए कि सिर्फ एडिशन के साथ मुंसलिक ना कीजिए, उसके साथ उस वक्त मुंसलिक कीजिएगा जब वो उसके सेंटर में जाके आए ठीक है, बाकी आपको उसके साथ मुंसलिक करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए एट लीस्ट एट मोस्ट आप उसमें भी पढ़ते रहे हो डाइस में भी जाके ठीक है, तो इनकी अपनी एक पहचान भी है जी। एट मोस्ट की तरफ आइए शाबाश भाई, एट मोस्ट बोथ आर रेड, ज्यादा से ज्यादा दो रेड हो गए ठीक है, यानी कि एक कंडीशन बन गई ये दोनों रेड, फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना एक रेड हो जाए, फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कोई रेड ना हो, क्या लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना, मतलब ये पॉसिबिलिटी। अब इनको सब डिवाइड करें, अब आपको पता चल गया होगा यार ये तो रेड रेड रहना है, प्लस वन रेड का मतलब होता है दो चीजें ग्रीन रेड और रेड ग्रीन, शाबाश इधर आ जाएगा रेड ग्रीन, ये बात बन जाएगी आपकी ठीक है। तो इधर आ जाएगा ग्रीन रेड प्लस रेड ग्रीन प्लस दोनों ग्रीन, तो बेटे आप इनको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये वन आएगा, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी आ गई ना, तो डेफिनेटली ये आपके पास एक श्योर इवेंट बन गया। कौन सा इवेंट बन गया बेटा जी? यहाँ तक बताइए बेटे, बात क्लियर है? अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अच्छा ये विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट इवेंट है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? अच्छा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। अच्छा जी अब आ जाइए जरा विदाउट रिप्लेसमेंट में, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है सुन ले भाई, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि चार पाँच छब्बीस इसी लेक्चर में हम डिस्कस करें, और बाकी अगले लेक्चर में ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा ठीक है। और अगले लेक्चर में और साथ कोशिश मेरी ये है कि 12 चैप्टर का ना एक मेथड लाजमी आज डिस्कस कर दूँ ठीक है। कल हमारे पास तीन मेथड होंगे, साथ ही हम 12 चैप्टर की असाइनमेंट को भी ज़रा हाथ लगाएंगे, उसके आई कैप के भी कुछ क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे, तो थोड़ा सा ना एक कम्बिनेशन आपके पास अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद आपने अगले दो दिन बेटे फुल फ्लेज फॉर्म में आप लोगों की आप लोगों से मैं एक छोटी सी डिमांड ज़रूर रखूँगा कि आप लोग इनके क्वेश्चन फुल फ्लेज फॉर्म में सॉल्व करके मुझे ज़रूर सेंड करेंगे ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है ठीक है, एंड पे मुझसे पूछ ले मैं बता के जाऊँगा तुम्हें। तो आ जाइए आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बातें बड़ी हैं लेकिन टाइम बड़ा काम है, क्योंकि ज़ुहेब साहब पीछे तैयार बैठे हुए हैं, कहते हैं सर आज 9:30 बजे ख़त्म कर दीजिए मैं ओके। अच्छा जी ये बेटे देख लें ज़रा प्लीज़, मैं अरेज करने लगा हूँ। मेरी बात सुने बेटे, मैंने आप में देखे हर सब्जेक्ट की ना नेचर होती है, वो करवा सकते हैं, हो सकता है वो आप लोग कवर भी कर जाते हो, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक दिन में अगर आपको बेटे ये 11वां चैप्टर मैं करवाता, नहीं मेरी बात सुन ले, मैं मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, वो उनका सब्जेक्ट है बेटे, मुझे अपने सब्जेक्ट की नेचर पता है ठीक है, मुझे ये पता है कि जितना मर्जी लायक स्टूडेंट है
ठीक है, उसको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है, हैं? प्रैक्टिस की तो जरूरत होती होती है, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग है, तुम लोग मेरे साथ बड़ी बातें करना चाह रहे लेकिन मैं सुनना नहीं चाह रहा। हैं? देश को दफा करा जी, नेक्स्ट आ जाइए, शाबाश। असल में ना ऐसे बच्चे होते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वो बुला के कर, इनको पता होता था कौन सा टीचर है हमारा जो बातों पे लग जाता है, इतने ये वेले हैं, ठीक है, ये जनाब उनके साथ ऐसी कोई बात छेड़ देते हैं तो फिर अल्लाह के हुक्म से चल भाई। जैसे हमारे साथ प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पाक स्टडी के जो टीचर थे ना, उनको फौज के साथ कुछ खास मसला था, ठीक है, जितने भी हिस्टोरिकल इनके साथ होता है, तो उनको एवं किसी बच्चे ने, सर जी वो मैंने रात को कॉलम एक वो मैंने पढ़ा, उसमें तो वो ये कह रहा था, ले भाई ये पढ़ा लेक्चर, अगले टीचर का लेक्चर भी गया, ठीक है, वो जनाब वो तमीज और बच्चे ऐसे नीचे सुनी भी जा रहे साथ इंजॉय करते, ओए होए। मैं कोई एक आध अल्फाज होता है वो उनकी ना छेड़ होती है, उसके बाद वो फिर छिड़ जाते हैं जैसे शायद की मक्खियां छिड़ जाती हैं, ठीक है, और आप उस वक्त बैठे ऐसे ही होते, सर मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, शाबाश। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन। बेटे ये तो इस चीज ने डिफाइन कर दिया ना कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरफ आप लोग चले गए, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अब आइएगा इसमें और प्रीवियस में क्या फर्क है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बेटे ये है कि एक कार्ड जब आपने यूज कर लिया पुत्र, उसको दोबारा यूज नहीं करना, ठीक है, इज जस्ट लाइक टिश्यू, एक दफा आपने इस्तेमाल कर लिया, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करना। गद्दे मतलब ये समय बस, मुफ्ती साहब प्लीज वापिस आ जाइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग, वही काम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, बोथ आर किंग। आप जरा गौर कीजिए बेटे, किंग जो है वो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन आपके पास इवेंट आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी की वजह से दूसरी इफेक्ट होगी या होने के चांसेस हैं। जरा इधर देखिए बेटे, इधर देखिए शाबाश, पहले किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/52। जरा बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये तो डिफाइन हो गया ना, टू कॉर्ड्स हैं, ये तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया। बेटे विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक दफा आपने कार्ड यूज किया और उसको आपने फिर साइड पे रख दिया, आप बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी रह गई, 51 रह गई, और किंग कितने रह गए, 3 रह गए, तो नेक्स्ट जो किंग होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, 1/2 to 1। यहां तक पुत्र बात क्लियर हो गई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटे आपके पास लिखा हुआ है वही सेम उसी पैटर्न पे, वन इज एस, अदर इज। बेटे जब ये इस तरह की बात आ जाए ना, तो आपने उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती होंगी वो सारी डिस्कस करनी, एट लीस्ट में भी सारी डिस्कस करनी, एट मोस्ट में भी सारी डिस्कस करनी, ये तीन चीजें आप लोगों को बेटे प्रॉपर जो है वो माइंड में रहनी चाहिए। देखिए जरा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एस पहले आ जाए क्वीन बाद में, फिर प्लस क्वीन पहले आ जाए, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना बेटे। अब इधर आ जाइए शाबाश, एस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 4/52, जरा गौर कीजिएगा। अब सुने जरा, आपने एक कार्ड निकाल दिया टोटल पॉसिबल आउटकम तो पुत्र काम हो गई, लेकिन बेटे वो क्वीन में से तो नहीं गया ना, तो क्वीन के तो चार ही रहे लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम रह गई। आप इधर आ जाइए, क्वीन की प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो 4/52 और एस की निकालोगे तो 4/ समझ आ गई बेटे बात, ठीक है। तो अब आप इसको जरा सॉल्व करके देखिए आंसर क्या है, 8/663। यहां तक बेटे बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइएगा, फर्स्ट इज एस एंड सेकंड वन इज क्वीन, फर्स्ट इज
एस एंड सेकंड वन एस क्वीन। बस बेटे जरा तो जो शाबाश शाह यार उठो उधर से जल्दी करो साथ हो जरा साथ इधर आ बैठ। मुझे नहीं पता तूने किया या नहीं किया, सारे ही शामिल हो ठीक है, लेकिन एक आध बंदा होता है हमें धक्के से हिट लिस्ट पे चढ़ा होता है। हाँ जी बस भाई तो जो यार मुफ्ती साहब मुझे अब बच्चे पूछना शुरू हो गए सर आपकी क्लास में मुफ्ती भी पढ़ते हैं, और मैं कहने मुफ्ती बस वो एवं ही है ऐसे चलते फिरते मुफ्ती ये वो है, सर नेम है भाई इसका सर नेम है। अच्छा जी इधर आ जी, फर्स्ट नंबर पे बेटे एस आएगा, नंबर टू पे क्या आ जाएगा? अब इसमें उसने पोजीशन डिफाइन कर दी ठीक है, और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आप एस की प्रोबेबिलिटी जब बेटे निकालोगे तो 4/52, क्वीन की निकालोगे तो 4/50, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बार बार हम पढ़ चुके हैं, तो क्या आंसर आ रहा है बेटे हैं 4/60 जा तेरा राज जंदे चलान होए। अच्छा जी बोथ आर क्वीन दोनों क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी 4/52 4/3/51 जैसे आपने बोथ किंग्स की निकाली थी ठीक है बेटे, तो ये पार्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है और एडिशन लॉ मल्टीप्लिकेशन लॉ बेटे हमारे कंप्लीट हुए। जरा बेटे गौर कीजिएगा, इनके मैंने एक एक दो दो पार्ट करवाना, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा ठीक है। तो ये जरा प्लीज़ अगर आपने बेटे कोई पिक्चर वगैरह अगर देखनी है लेनी है तो वो ज़रा कर लीजिए ताकि फिर आगे चले। एक मिनट कि चले भाई आ जाइए पहले क्वेश्चन की तरफ, और जितने भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है खास तौर पे नोट्सों पे इनको सारों का अगर मैं डिस्कस कर देता हूँ तो याद रखिएगा आपके जो आई कैप की बुक है उसमें जो है एमसीक्यूज का बैंक दिया हुआ है, उसमें से काफी हद तक आप सारे कर लेंगे ठीक है। उसमें इक्का दुक्का नया पॉइंट होगा वो भी इंशाल्लाह मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ कि वो नया पॉइंट कौन सा है। वो दो किस्म के क्वेश्चन और पूछता है आपको आपको ना प्रोबेबिलिटी के, कि ऊपर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बता रहा है ठीक है, तो नीचे उसने आंसर में नेगेटिव लिख दिया या वन से ग्रेटर लिख दिया। तो मैंने आपको पहले दिन बेटे बताया था ना तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि रेंज पढ़ी ना आपने इसकी 0 to 1, तो ना वन से ग्रेटर हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। तो ये आई कैप की बुक में 2000 क्वेश्चन इस तरह के हैं ठीक है, तो जब आप उनको करें तो इन बातों को जेहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे आपसे ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब मैं नहीं बताऊंगा आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा लॉ है, एडिशन का है मल्टीप्लीकेशन का है या कुछ और है ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरे लिए कौन पढ़ेगा? चल भाई शहर यार पढ़, चल एक मिनट शहर यार तू उठाए, चल भाई उस्ताद अच्छा जी पहली बात देखो वो कह रहे हैं वन इंटीजर इज चूजन, एक चूज किया है दो चूज कौन सा लॉ हुआ, ये बात क्लियर होगी ना बेटे। अब आगे चलिए, इज चूजन फ्रॉम 1 to 50 टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हुई तुम लोगों के पास, टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दूं कितनी है बेटे, इसको क्या कहते हैं टोटल आउटकम्स होती हैं सैंपल स्पेस, शाबाश। क्योंकि वो ज्यादातर आपको ये कहता है टोटल सैंपल स्पेस इसके बताओ तो आपको पता होना चाहिए जी। उसके बाद आ जाइए पहला पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय 7, इट इज डिविजिबल बाय 7। अब देखें आपके पास टोटल नंबर है कहां तक, 1 से लेके 50 तक, इसमें से मुझे बताओ कौन कौन से जो 7 पे डिविजिबल है, 7, 14, 21
बस 48 कहाँ से हो गया, 7 का टेबल, 7 का टेबल बिल्कुल। अब आप ये देखें कितने नंबर थे इसमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 7/50। बेटे समझ आ गए इसको कैसे डील करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटे हम डिस्कस करेंगे और इसमें आ जाएगा इट इज डिविजिबल बाय 9 और, बेटे समझ तो आ गया होगा कौन सा लॉ लगना, ठीक है ना। तो अब आ जाइए पहले तो ये देखो 50 में से देखो 9 के डिविजिबल क्या है, 9, 18, 45। बड़े हो गए पुत्र, बस करो यार, तुम बस करो। कुछ बातें और कुछ बातों पे बच्चों को भुलेखा रहना चाहिए, आई एक्सेप्ट इट। बैक टू पोजिशन बेटा जी, शुक्र है यार किसी ने बूढ़ा तो कहा है, बंदा थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा फील करता है। वापिस आओ, कितने हो गए बेटे, 5 हो गए। अभी अभी बात खत्म नहीं हुई, अब आ जाइए 14 पे। तो पहली बात तो ये है कि 14 पे जाएगा, सुनो जरा, उसके बाद 28 पे, फिर 42। तूने कैसे बनाए थे, ओके कोई बात नहीं, 12 भी आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये कितने बने आपके पास, 3। अब आप मुझे कोई देख के बताएंगे कि इसमें, अभी जेन में रखना है वो म्यूचुअली और नॉट वाला, कोई कॉमन तो नहीं है, ये भी जेन में रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आइए जरा इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 5/50 + 3/50, तो बेटे इसको सॉल्व कर लीजिएगा 8/50, तो आगे कैलकुलेशन आपके जुम्मे। लास्ट क्वेश्चन इसी का, क्या लिखा हुआ बेटा जी, किधर है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला बेटे आपके पास लिखा हुआ है, इट इज डिविजिबल बाय 6 और 8। बस इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, कॉमन आएगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग, जो जितने कॉमन होंगे उतने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए ये आपके पास बेटे सेम वो जो हमने क्वेश्चन नहीं किया था, ब्राउन आइड वाला, ठीक है, ये ग्लासेस वेयर और नॉट वेयर वाला कॉम्बिनेशन बना के, तो इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ये पीटीसीएल वाला, ये जरा बनाते हैं जी। पहले मैं इसका टेबल आपके सामने बनाना चाहूंगा जी, जरा स्टेटमेंट पढ़ शहर यार बेटे। अब देखें बेटे ये बाद में करते हैं पार्ट्स, जरा सीखिएगा कि वो कॉन्टीजेंसी टेबल बनाने के लिए ना आपको कुछ ही डाटा देगा, कुछ ही डाटा देगा, बाकी आपने खुद बेटे कंपाइल करना। ये देखो अगर आपके सामने ये नहीं, सपोज करो नहीं है आपके सामने, आपको देखो दो चीज़ें बेटे वो बता गया कि 75% पीपल यूज सेल फोन और 15% यूज PTCL एंड 10% यूज बोथ ऑफ दम, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ आपको। तो अब आए जरा इसको कॉन्टीजेंसी टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया पीपल यूज सेल फोन, तो एक बेटे हम बना लेते हैं यूज सेल, ठीक है। तो बेटे अगर यूज सेल आ रहा है तो फिर हमें दूसरा उसको ऑपोजिट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 100% तो लोग सेल फोन यूज नहीं कर रहे, तो फिर इधर हम लोग लिख लेते हैं नॉट यूज सेल, यह आ गया बेटे। उसने फिर एक और बात भी बेटे की है, क्या बोला, उसने कहा कि भाई जरा गौर करें, 75% पीपल यूज सेल फोन, 15% यूज PTCL, 10% यूज बोथ ऑफ देम, मतलब सेल फोन भी PTCL भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग फिर PTCL यूज कर रहे होंगे, यूज PTCL, एंड कुछ ऐसे होंगे जो बेटे PTCL यूज नहीं कर रहे होंगे। इधर हम लिखेंगे नॉट यूज PTCL,
और लास्ट पे आप लोगों को पता क्या लिखना होता है आप लोगों ने? चलो जी आ जाइए, जरा देखिए जी क्या लिखा हुआ है। उसने क्या बोला हुआ है जी, 75% पीपल यूज सेल फोन। यूज सेल फोन वाले कितने हैं? ये यूज सेल फोन का उसने टोटल बता दिया भाई, 75% लोग यूज कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। अब आगे उसने क्या बोला कि भाई 15% यूज पीटीसीएल, 15% यूज पीटीसीएल। टोटल पीटीसीएल वाले कितने बताए उसने? ये बात क्लियर होगी। अब आगे चलें बेटे, वो कह रहा है कि 10% जो है वो यूज कर रहे हैं दोनों, सेल फोन पीटीसीएल। तो ये 10% आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर होगी। आप देखिएगा टेबल कैसे भूल भुलैया में जाके खुद ही कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस है, बाकी बेटे इसमें कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, टोटल परसेंटेज कितनी होती है या टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 100। इसका मतलब होगा कि इधर तो 100% आएगा, चाहे इधर से आओ या इधर से आओ, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैंने इसको 15 बनाना है तो मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा? एक बात होगी पूरी। अब दूसरी बात यह कि अगर इसको 75 बनाना है, ये बात क्लियर हो गई। आप इसको दो तरह से कंप्लीट आप कर सकते हो। एक तो ये है, जरा बात ध्यान से सुनिएगा, कि 75 है ना, तो इधर कितना आना चाहिए? 25%। तो ये 100 पूरा हो जाएगा। आप बताओ जो मिसिंग है क्या लिखूं उसमें? इसमें कितने परसेंट आना चाहिए? 20% आ गया बेटे। आप देखो इसको ऐड करो कितना बनता है, 85%। आप जिस तरह से मर्जी आ जाओ बेटे, समझ आ गई? ये एक दो दफा इसको खुद भी बनाइएगा, आगे जाके डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव इस तरह के काफी क्वेश्चन हैं कॉन्टीजेंसी टेबल के, वो आपने खुद बनाने। ये ग्लासेस नॉट वेयर वाला ये आप खुद बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। मुझे अब टेबल बनाना ही असल काम था। अब मुझे बताओ जी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। वो कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज चूज, अ पर्सन ही है ना, ये इधर मैं भी कर देता हूं इसको, अ पर्सन इज यू। समझ आ गई ना बेटा जी? चलो जी अब आगे आ जाइए। क्या कह रहा है? नॉट यूज बोथ ऑफ देम। बताओ कौन से हैं जो दोनों इस्तेमाल नहीं करते? उधर से नहीं, इधर से देखिए, नॉट यूज जो दोनों यूज नहीं करते, ये देखो ये नो सेल फोन वाले, और अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यूज बोथ ऑफ देम जो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद भी बता गया था पहले ही। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यूज पीटीसीएल ओनली, सिर्फ पीटीसीएल, सिर्फ पीटीसीएल जो यूज करते हैं सिर्फ 5% है, ये टोटल है जिसमें सेल फोन वाले भी 10 शामिल है। तो उसने क्या पूछा हुआ है, यूज पीटीसीएल ओनली, सिर्फ पीटीसीएल वाले। अब आगे देखिए कह रहा है यूज सेल फोन ओनली, सिर्फ सेल फोन, ये पीटीसीएल वाले नॉट पीटीसीएल वाले, तो मतलब ये क्या यूज कर रहे हैं सिर्फ। समझ आ रही बात की बेटे? इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एक टेबल से, ये हमने सिर्फ कुछ बनाए, ठीक है। तो आपने टेबल्स को आपको अच्छी तरह रीड आउट करना आना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि बेटे उसने क्वेश्चन में आपको गिवन क्या किया हुआ है, आपसे पूछा क्या हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, आइए जरा उस पर बात करते हैं। हाँ जी जी, यूज पीटीसीएल ओनली। देखो बेटे ये जो पीटीसीएल वाले हैं ये 15 है टोटल। आप इसमें देखो 10% ऐसे हैं पीटीसीएल यूज करने वाले जो सेल फोन भी यूज कर रहे हैं, ये ऐसे हैं जो सेल फोन यूज नहीं करते, सिर्फ पीटीसीएल पे है बेचारे, नॉट यूज सेल फोन। इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, पीटीसीएल यूज कर रहे हैं, तो 5% इस वजह से आएगा। हैं 5 कर लो, यूज पीटीसीएल ओनली 5% ही बनता है, बस ठीक है जी बेटे। ये क्वेश्चन है और बस 2-4 मिनट है, टेबल आपने बनवाना है और काम ये खत्म है। क्या हो गया भाई, किस बात की हंसी आई जा रही है, हैं? तो आपने इसको कुछ ये तो नहीं कहा भाई? बस ना 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 ना
दो किस्म के लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, और मैं आपको वो दोनों ही नहीं बताऊंगा, बस एक वही है, दूसरा आप अभी अगली स्टेज पे जाके होंगे। कैसे? एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन में जरा तजाद आ रहा है, इसको देख लें। यूज पीटीसीएल ओनली, उसने सवाल क्या पूछा हुआ था? हैं? ओनली पीटीसीएल जो यूज करते हैं ना, सिर्फ पीटीसीएल यूज करते हो। वो सेल फोन यूज नहीं करते, सेल फोन यूज नहीं करते, पीटीसीएल देखना इधर से आ रहा ना, तो अगर ये यूज नहीं करते कम से कम ये तो करते, फाइव ही आता, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, सिर्फ दो चार मिनट चाहिए बेटे। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए भाई। हो की लिख बैठा, अ कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड, फोर मेंबर्स फ्रॉम, टोटल मेंबर्स कितने हैं बेटे? 13। बेटे आपको एक क्वेश्चन करवाया था वो बॉयज और गर्ल्स वाला, याद है? सेम उसी पैटर्न पे, सिर्फ एक स्टेप चलेगा आगे, सिर्फ एक स्टेप। देखिए क्या लिखा हुआ, वो कह रहा है फाइव जो हैं वो पंजाब में से हैं, दो जो हैं वो बलोचिस्तान में से हैं, चार जो हैं वो सिंध में से हैं, और दो जो हैं वो केपीके से हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमेटी कंटेन, ये देखें टोटल मेंबर कितने सेलेक्ट करने हैं? सिर्फ चार, ये बात ध्यान में रहेगी। आइए जरा पहला पार्ट करते हैं और उसका कॉन्टीजेंसी टेबल बनाएंगे। इसका हर एक वखरा वखरा होगा भाई, वखरा वखरा समझते हो, अलग अलग और सॉरी इस तरह के वर्ड्स मैंने कल भी कहा, याद करवाया करो ना यार, मेंबर्स कहां से? फ्रॉम बलोचिस्तान। बेटे जरा प्लीज आप जरा सीरियस हो जाए, तेरी इस की वाजें ना इधर तक आ रही थी, ठीक है, और साफ पता चल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में तू इधर होगा, आज तू पुत्र लीड कर। अच्छा बेटे इधर देखे, कॉन्टीजेंसी टेबल बनाए भाई, देखे जिसकी बात हो रही होगी ना उसका नाम लिखेंगे, बाकियों को अदर में कंसीडर कीजिएगा। लाइक बलोचिस्तान की बात हो रही है और दूसरे इधर आ जाएंगे अदर्स, और यहां पे बेटे कितने आ जाएंगे? टोटल आ गए, ऐसी है। मुझे बताओ बलोचिस्तान में टोटल कितने थे? टू थे, चार थे, टू थे, चलो जी। अदर कितने हो गए फिर? टोटल 13 है ना, तो दो ही आगे बाकी है, टोटल हो गए आपके पास 13। यहां तक बताओ भाई, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है? अब आगे चलते हैं जी, टोटल मेंबर्स आपने कितने सिलेक्ट करने हैं? अब यहां तक बात तो सारो आप इजीली कर सकते हो। अगला काम सुनो, लिखा हुआ है ऑल मेंबर्स फ्रॉम बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान के पास टोटल मेंबर्स हैं कितने? तो मतलब मैं दो ही सिलेक्ट कर सकता हूं ना, तो कमेटी पूरी करने के लिए दो फिर मुझे अदर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, क्या आप लोग ये काम कर चुके हो बेटे? क्या आएगा? 2C2 × 11C, ये बात क्लियर होगी। अब इतना काम आप तब करते थे जब आप लोगों ने नंबर ऑफ वेज निकालने होते थे, क्या निकालने होते थे? अब नहीं निकालने, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको टोटल पे भी तो डिवाइड करना होता है, ये तो हमारे फेवरेबल हो गए ना, तो टोटल पे इसको डिवाइड कर दो, ऐसे क्या आएगा? 13C4। तो बताओ भाई आंसर, 1/13। हाँ जी, तो इसमें उसने दूसरी कंडीशन इधर वाली कुछ नहीं ना दी, लाइक मैन वुमेन ब्राउन आइड अदर आइड, तो अगर इस तरह की होती तो हम इधर लिख लेते, ठीक है। इसी तरह पीटीसीएल, ठीक है, आ गया तो वो नॉट पीटीसीएल वाले के साथ आ गया, सेल फोन किसका? इसमें देखिए आपके पास दूसरी और कोई कंडीशन नहीं है, उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है, हाँ इसमें नहीं बन रही ऐसी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए बेटे, अगला क्वेश्चन भाई, एक मैंने और करवाना बाकी आप करेंगे। वो कह रहा है कि नो वन फ्रॉम पंजाब, पहली बात तो ये है कि बनाओ ना जरा इसका कॉन्टीजेंसी, पंजाब आ गया, अदर आ गया, और टोटल आपको पता 13 आ गए, पंजाब में से कितने थे? 5, तो कितने इधर आ गए? ऐसे ही है जी, चलो जी, को कह रहे कोई भी पंजाब में से नहीं लेना, टोटल आपने 4 बनाने से, बाकी सारे अदर में से आ जाएंगे, मेरे ख्याल से आगे कर लोगे। नेक्स्ट देखे एटमोस्ट, हाँ ये जरा एटमोस्ट और एटलीस्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाला लिखा हुआ है, थर्ड वाला बेटे लिखा हुआ है एटमोस्ट 2 फ्रॉम
अच्छा बेटे सिंध का चूंकि जिक्र हुआ है तो हम जो है वो सिंध को लिखेंगे, बाकी अदर में कंसीडर करेंगे। इधर सिंध आ गया और इधर अदर आ गया बेटे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास टोटल आ गया। ये बात क्लियर होगी भाई? अब मुझे बताओ सिंध में कितने थे? टू है। अदर में कितने आए? नाइन आए। टोटल 13 है। यहाँ तक बताओ बेटे बात क्लियर है? हमने चार मेंबर सेलेक्ट करने हैं ना, कितने मेंबर? चार। तो उसने कहा हुआ है कि एट मोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा दो, कम से कम एक और जीरो। दो आएंगे, वन आएगा, जीरो आएगा। इधर कमेटी कंप्लीट करने के लिए मुझे दो चाहिए, इधर तीन चाहिए, इधर ऐसी है जी। देखो पहला कॉम्बिनेशन ये मैं लिख देता हूं, इधर आएगा फोर सी टू इंटू नाइन सी टू, एक कॉम्बिनेशन हो गया बेटा पूरा। दूसरा क्या आएगा? इसको करे ना बेटे ऐसे, फिर आएगा फोर सी वन इंटू नाइन सी थ्री, फिर आपके पास आएगा प्लस फोर सी जीरो इंटू नाइन सी टू के फोर, फोर ये चल ओवर थर्टीन सी। चलें करें शाबाश, टोटल बताएं क्या आ रहा है? 678 ओवर 715। चलो जी अब आ जाइए एटलीस्ट वाला केस करते हैं, एटलीस्ट वाला केस, लास्ट केस और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जी। एटलीस्ट बोलिएगा शाबाश, एटलीस्ट जी वन फ्रॉम केपीके। देखो केपीके आ गया बेटे, अदर आ गया और टोटल आ गया। केपीके में टोटल कितने हैं वैसे? टू आ गए। अदर कितने हो गए? इलेवन आ गए और थर्टीन हो गए। फोर सेलेक्ट करने हैं ना। बताओ जी एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? कम अज कम टू, वन हो सकता है आपको एटलीस्ट जो है उसने क्या बता दिया? मिनिमम टू मैक्सिमम जाएंगे। आप क्या कहते हो? पक्की बात है? केपी इसके पास, केपी के पास कितने हैं? दो। तो क्या लिखो नीचे? पहले वन लिखो, उसने वन बोला हुआ है। हो जाएगा बेटे? अच्छा यहाँ तक बेटे बात क्लियर हो गई, और लास्ट पार्ट आप कर सकते हैं ऑल फ्रॉम पंजाब। हो जाएगा बेटे? आज का जो ये लेक्चर है इसमें आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लॉ और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करके साथ ही चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन और उसका पहला जो मेथड होगा हाइपर ज्योमेट्रिक उसको इंशाल्लाह, या अगर मेरा दिल किया कोई और करवाने को तो हो सकता है पहले वो करवा दूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बेटे बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।